नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे एंजल्स ओमेन वर्सेस क्वींस ओमेन के बीच जो होगा पांडिचेरी ओमेन्स T20 का ना आज का दिन का पहला मैच। पहला मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम 9:30 बजे। दोस्तों, ये ना टूर्नामेंट का भी पहला मैच है, मतलब दो न्यू टीम्स खेलेंगे। अब न्यू टीम्स तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप बोलो, क्योंकि इन्होंने ना कुछ ही दिन पहले T10 खेला है, उसका मैं डिटेल्स एनालिसिस कर दूंगा इस वीडियो में, और उससे आप खुद टीम क्रिएट कर लोगे बहुत इजीली। ठीक है, स्टिल कुछ प्लेयर्स है जो लास्ट T10 सीरीज नहीं खेला, उनके पास रिकॉर्ड में बताऊंगा। ये वीडियो ना मैं जो आपको स्टैट शो करूंगा उससे भी ज़्यादा मैं जो एनालिसिस पार्ट इस वीडियो में रख रहा हूँ ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल सॉर्टेड टीम बनाओ, अच्छा खासा विन करके जाओ। गाइज, आप अगर वीडियो अच्छे से ध्यान से देखते हो तो अंत तक आप बेटर टीम बहुत इजीली खुद क्रिएट कर लोगे इस मैच का। बट स्टिल मैं क्या करूंगा, मैं अगले मैचेस जैसे कि सेकंड पांडिचेरी हो गया T20, या फिर दोस्तों जो बहुत ही जल्द न्यू न्यू सीरीज स्टार्ट होगा ना उनके कवरेजेस इसी चैनल में लाऊंगा। तो गाइस, आप अगर चैनल में न्यू हो, फर्स्ट टाइम देख लो वीडियो, फटाफट से चैनल को करो सब्सक्राइब, और दोस्तों ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम, क्योंकि जो अपडेट्स एंड डेमो टीम्स होंगे ना मैचेस का वो शेयर होगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल। गाइज, टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में लिंक ऑलरेडी एडेड है, लिंक में आपको प्रेस करना है और रिडायरेक्ट हो जाना है टेलीग्राम चैनल। अभी आते हैं इस मैच के ना एनालिसिस पॉइंट में। क्रिकेट एसोसिएशन पांडिचेरी ग्राउंड 3 में होगा मैच, पुदुचेरी में है ये ग्राउंड। एंजल्स ओमेन वर्सेस क्वींस ओमेन, एवरेज स्कोर 120। आपको पता है वुमेन्स क्रिकेट में रन थोड़े से कम और विकेट थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गिरता है, तो हमें 120-130 मैक्सिमम बन सकता है ये एस्टिमेट करके चलना है। बॉलर्स टाइट करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास ऑलराउंडर्स भी मिल जाएंगे और कुछ रन भी मिल जाएगा। 9:30 बजे ये मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम। एंजल्स ओमेन से मोस्ट प्रोबेबली ओपन कराएंगे रिंकी राजक सोनाल पटेल के साथ। अब ये जो शिल्पा साहू है ना, ये भी आइडियल ऑलराउंड ओपनर है और पटेल भी ओपनर है, तो इन दोनों में से कोई एक ओपन करेगा, जो नहीं करेगा वो अनडाउन खेल लेगा। ठीक है, डोंट वरी। लिथिका विघ्नेश, फिर पायल बाल्मीक, ये हिटिंग के लिए प्रमोट होता है दोस्तों, लिथिका से ऊपर आ सकते हैं दोस्तों बैटिंग के लिए। रोहिणी माने, एलुमेलाई, ऐसा होगा कुछ बैटिंग ऑर्डर। अब अगर इस टीम से देखोगे विकी में ना, विकी में मैं जे एलुमेलाई को नहीं लूँगा, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली जो T10 सीरीज हुआ था ना, हर मैच में इनका डू नॉट बैट था, देख रहे हो ना, सबका सब मैच में डू नॉट बैट। शिल्पा साहू, इन्होंने ना रिसेंटली कहाँ पे खेल के आ रहा है दोस्तों, सेंट्रल जोन ओमेन्स के लिए खेला है, अच्छा खेला है। 177 रन का नॉक भी था, 31 का नॉक था, और उससे पहले इन्होंने जब लास्ट T10 खेला था ना पांडिचेरी का, मैं बात कर रहा हूँ, हर मैच में 2 ओवर थे इनका, प्लस बैटिंग से भी ऑलमोस्ट हर मैच में रन था, 1-0 अगर नॉक हटा देते हो तो। ये वन ऑफ द बेस्ट पिक रहेंगे इस मैच में एज कैप्टन वाइस कैप्टन। इन्होंने रिसेंटली क्या खेला दोस्तों, इन्होंने रिसेंटली जोनल ओमेन्स जो T20 हुआ है ना, जो T20 नहीं दोस्तों, जोनल जो मैचेस हुए ना रिसेंटली इंडियन ओमेन्स और दोस्तों अदर्स मतलब इंडियन ओमेन्स में बोला, इंडिया में जो सेंट्रल जोन नॉर्थ जोन ऐसे ऐसे अलग अलग जोन करके ना ओमेन्स मैचेस हुए, उसमें इन्होंने खेला था और बहुत खूब खेला था दोस्तों। ये आपके लिए बाय डिफॉल्ट पिक होना चाहिए, ODI फॉर्मेट में था और इससे पहले T10 में भी अच्छे खेले, मस्ट पिक, बढ़िया कैप्टन पिक। लिथिका विघ्नेश ने रिसेंटली 9-21-7 T10 में बनाया। देखो यहाँ पे जो रिकॉर्ड आपको दिखेंगे ना, यहाँ पे जो रिकॉर्ड है ये क्या है, ये रिसेंटली लास्ट महीने शायद 1 महीना पहले T10 सीरीज हुआ है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे है, तो उससे पहले मुझे पुराने रिकॉर्ड्स में जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो रिसेंटली T10 खेला और पूरा सीरीज हमने कवर किया, वही इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है। तो इनका परफॉर्मेंस डिसेंट था, 31 और 21 दो नॉक इनका डिसेंट था T10 में, तो T20 में थोड़ा और बेटर ये करा सकता है। ठीक है, निशा सीतारामन, इन्होंने लास्ट सीजन में ना ये स्क्वाड में थी, ठीक है निशा, बट एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। रिंकी राजक ने रिसेंटली जो T10 सीरीज हुआ है ना उसमें 2-4-1-51-8-0, देखो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा पुराना रिकॉर्ड नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली 6-7 मैच करके खेल के रखा है, 51 मैच है, 51 था हाईएस्ट रन रिंकी राजक का फिलहाल के लिए। दोस्तों अगर आप 3 बैटर्स फॉर्मेट खेल रहे हो तो रख लेना, अगर आप 1 बैटर्स फॉर्मेट मतलब न्यू फॉर्मेट के हिसाब से खेल रहे हो तो ड्रॉप रोटेट कर सकते हो, हिट और मिस है। ठीक है, सोनाल पटेल कमाल की पिक है, मस्ट पिक है, बढ़िया कैप्टन पिक है, बैट बॉल दोनों से आपको पॉइंट्स देंगी बाय डिफॉल्ट पिक, मुझे लगता है इनको ओपन आना चाहिए या फिर वन डाउन खेल लेगी, मस्ट पिक है। और शिल्पा साहू के साथ ना बढ़िया कैप्टन पिक है, अच्छा फॉर्म में भी था इन्होंने, कौन सा सीजन रिसेंटली इन्होंने क्वींस के लिए खेला है, कौन सा मैच खेला है, कौन सा सीरीज, पांडिचेरी ओमेन्स T10 1 महीने पहले ही हुआ था, उसमें इन्होंने 24-18-19-22-12 बैटिंग से बॉलिंग से 2-2 विकेट भी थे इनके।
पायल वाल्मीकि ने T10 में दोस्तों लास्ट सीजन 23 एक विकेट, करंट सीजन नहीं लास्ट सीजन, एक रन एक विकेट, यहाँ ये लास्ट सीजन मतलब 2022 में 15 एक विकेट, 7 एक विकेट, 7 तीन विकेट, इतना ज़्यादा मैचेस होता है ना वुमेन्स क्रिकेट में, वुमेन्स मतलब वुमेन्स क्रिकेट में नहीं दोस्तों, ये पंडिचेरी में आप पूछो ही मत, मेंस का भी साल में 2-3 तो टूर्नामेंट हो ही जाता है, वुमेन्स का भी 2-3 टूर्नामेंट हो जाता है। T10 कुछ ही दिन पहले खेला, फिर T20 खेल रहा है, फिर दोस्तों ये T10 खेल लेंगे, ठीक है। विदर्भशा देखोगे तो एक ही मैच, दो मैच खेला है, देखो कुछ मैचेस में इन्होंने प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं था, कुछ मैचेस में इन्होंने डू नॉट बॉल मतलब बैट बॉल कुछ नहीं कराया, एक मैच में सिर्फ एक ओवर डाले थे। अर्थिका वेलमुगरम हर मैच में ये टीम का पार्ट थी, बट एक भी मैच में ना बैट ना बॉल। T10 का बात कर रहा हूँ, एक मंथ पहले हुआ था, रोहिणी माने ने एक मंथ पहले ही T10 में दोस्तों दो ओवर हर मैच में डाल रही थी, हर मैच में कंसिस्टेंटली एटलीस्ट एक विकेट इनके पास है। ये ग्रैंड लीग में कैप्टन पिक है और स्मॉल लीग में ये आपकी टीम में मस्ट पिक है, रोहिणी माने। जी मुरुगेसन ने भी ज़्यादातर मैच में बॉलिंग कराया, तो इनको भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। मुरुगेसन, रिंकी राजक, ये सब 50-50 प्लेयर है, बट ये चार ओवर बॉलिंग करने को इनको मौका मिलेगा, तो एक प्रोबेबिलिटीज है कि आपको विकेट निकाल के दे सकती है, और डेफिनेटली विकेट निकाल के देंगी तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। कुछ प्लेयर्स और भी थे लाइक दिशा, पूजा, रमेश, इन्होंने दोस्तों कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया किसी किसी को, तो एक भी मैच में मौका नहीं मिला रमेश जी और मोहन राज, ये क्यों नहीं मिला, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने भी सोचते हैं दोस्तों ये उतने कैपेबल प्लेयर नहीं है, इसीलिए इनको ज़्यादा मौका नहीं दिया गया, तो अभी के लिए ये हमारे इग्नोर्ड पिक रहेंगे। ये चार प्लेयर्स जिनके रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है दोस्तों, अगर मेरे पास अवेलेबल होता है इनके रिकॉर्ड्स तो आपके साथ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। क्वींस ओमेन देखोगे तो सुनैना मिश्रा ओपन कराएगा, चंद्र कराएंगी चंद्रशेखरन के साथ, वन डाउन टी निगम, फिर सीकर हेगड़े। दोस्तों ये टीम मुझे उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, इनका बैटिंग, इनका बॉलिंग तगड़ा है, इनका बॉलिंग तगड़ा है, बट इनका बैटिंग बहुत ज़्यादा वीक है, तो हमें क्या करना है ना, हमें देखो वन साइडेड तो नहीं बनाना है, बट डेफिनेटली अगर ये टीम बैटिंग फर्स्ट कर लेती है वैसे में इनके ओपोनेंट के फेवर में टीम बना सकते हो 7-4 या फिर 6-5। अगर ये टीम बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो इनके पास भी अच्छे क्वालिटी बॉलर है और ओपोनेंट स्ट्राइक करके खेलेंगे तो विकेट मिलने के हाई प्रोबेबिलिटीज रहेंगे। सुनैना मिश्रा अगर आप देखोगे गाइस तो इन्होंने 1, 2, 13, 11, 26, 7 हर मैच में इनका बैटिंग से परफॉर्मेंस है। अगर फील्डिंग फर्स्ट होता है ना दोस्तों तो एक प्रोबेबिलिटीज है कि ये आपको ना विकेट से पॉइंट्स देंगी, अगर फील्डिंग फर्स्ट होता है, ठीक है। अगर फील्डिंग सेकेंड में हो जाता है ना उतना मुझे खास पिक लगता नहीं है, क्योंकि देखो ये बैटिंग से आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट देंगे ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। जे लुमलाई का जो टीम है ना उनका बैटिंग यूनिट स्ट्रांग है, ये आपको फील्डिंग से शायद सेकेंड इनिंग्स में फील्डिंग अगर हुआ तो चांसेस कम देंगे, बट अगर फर्स्ट इनिंग्स में इनका फील्डिंग हो गया ना सुनैना मिश्रा को मैं रखूँगा, और सिलेक्शन भी हाई है मैं रिस्क नहीं लूँगा। रामदास सौध्या मोनिका अगर खेलती है तो ये भी ओपन करा विकी करा सकती है, पंडिचेरी की प्लेयर है, पंडिचेरी के लिए स्टेट लेवल में विकी कराती है। टी निगम ये मस्ट पिक है, अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है कैप्टन भी बना सकते हो, बैटिंग से 20-25 रन, और अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ 1-2 विकेट भी मिल सकता है बहुत इजीली, बॉल फर्स्ट हुआ मस्ट पिक। यहाँ पे आपको 2-2 ओवर दिख रहा है ना, इसका रीज़न है इन्होंने रिसेंटली तो T10 खेल के आ रहा है ना, T10 में डेफिनेटली इनके नंबर्स ऑफ ओवर्स घटेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों T20 है, T10 में 2 ओवर मैक्सिमम करा सकती है, इन्होंने हर मैच में 2 ओवर डाल के रखे हैं, तो T20 में 4 करानी है तो इन्होंने 4 डालना है, ठीक है। बॉल फर्स्ट बढ़िया कैप्टन पिक, नंदिनी चंद्रशेखर रिसेंटली T10 खेल के आ रही है, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी आपके लिए, इंपॉर्टेंट मस्ट पिक नहीं है, बट अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ रख लो, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी से आपको 2-3 ओवर करते हुए देखेंगे, शायद ये 4 ना करे बट ये 2-3, और बैटिंग से भी ना 10-12 रन बनाई जाती है। अनन्या अग्रे एक और इम्पॉर्टेंट बॉलर, 2 ओवर डालने वाला बॉलर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट तो लेके चलना बनता है, हर मैच में इन्होंने रिसेंटली फिनिश T10 सीरीज में बॉलिंग कराया, ठीक है 2 ओवर वो भी। श्रीमेरा चंद्रशेखरन अभी के लिए मैं अपने टीम में रखूंगा, आपको 2-3 ओवर डालते हुए दिखेंगी, ओवर कंप्लीट ये करती नहीं है बेसिकली, बट एक्सपीरियंस प्लेयर है, ट्राई कर सकते हो। ऑफ स्पिन बॉलर अक्षय भरद्वाज, अच्छा रॉ डिफरेंशियल पिक, सिलेक्शन बहुत लेस है, देखो आप अगर ड्रीम 11 फॉर्मेट में खेल रहे हो तो दोस्तों 3 बॉलर लेना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें ना अक्षय भरद्वाज मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट पिक, फाइनेस्ट डिफरेंशियल पिक रहेंगी, तो जरूर ट्राई कर सकते हो ओल्ड फॉर्मेट फैंटेसी में। ड्रीम 11 में दोस्तों एक बेटर बॉलर भी चलेगा, बट ओल्ड फॉर्मेट में 3 बॉलर रखना जरूरी है, तो ये अच्छा डिफरेंशियल पिक है। वीरकर ने एक मैच खेला कुछ नहीं किया, और ये 4-5 प्लेयर ना इनके भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है दोस्तों, अगर इनके रिकॉर्ड्स अवेलेबल होता है ना सबसे पहले और तुरंत आपके साथ मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पे। दोस्तों आपको जुड़ना है टेलीग्राम, जिसका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में। चलते हैं सीधा हमारे ड्रीम 11 टीम में गाइस।
दोस्तों फिलहाल ये रहेगा मेरा ड्रीम इलेवन टीम, जहाँ पे दोस्तों मैंने सोनाली पटेल को कैप्टन बनाया, वाइस कैप्टन बनाया एस साहू, ये भी अच्छी कैप्टन है क्वालिटी वाइज, ये तो और भी बेटर प्लेयर है कम्पेयर टू सोनाली पटेल, बट यहाँ पे फिलहाल सेफ जाने के लिए मैंने एस पटेल बनाया। बट आप अगर मेरे से पूछोगे ना मैं क्या करूँगा, मैं ना ऑल्टरनेट करूँगा, एक टीम में इनको कैप्टन बना के इनको भी वीसी बना लूँगा, ठीक है। किसको? एस पटेल को, नंदिनी चंद्रशेखर, श्री मेरा, ए हेगड़े, पी वाल्मीक, बॉल फर्स्ट बॉल सेकेंड मस्ट पिक है, आप यहाँ पे ओल्ड फॉर्मेट फॉन्टेस्ट में ड्रॉप कर देना, ठीक है। अक्षय भरद्वाज हमारे पास है, जी मुरुगेसन है, आर्मनी है, इनकी जगह रिंकी रजक ले लेना। फिलहाल तो गाइस ये रहेगा मेरा कवरेज, नेक्स्ट मैचेस के अपडेट्स एंड डेमो टीम्स वगैरह शेयर होगा आपके साथ टेलीग्राम पे। दोस्तों आपको जुड़ना है टेलीग्राम, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पर।